बॉडी ओडर अगर आपके बॉडी में से आती होगी तो वो बहुत ज्यादा एम्बरेसमेंट लाती है, क्योंकि उसकी बस बहुत गंदी होती है। चाहे आप रेगुलरली नहाते हो, बट कभी ना कभी ये पॉइंट आता ही है कि आप सोचते हो कि ये क्या चीज है जिससे आपकी बॉडी में ओडर आ रही है। तो आज का हमारा वीडियो है रेमेडीज टू ट्रीट योर बॉडी ओडर। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल AskiGuru को सब्सक्राइब करना ना भूले। द साइंस ऑफ स्टिंक। स्वेटिंग एक नेचुरल प्रोसेस होता है हमारी बॉडी का स्ट्रेस रिलीज करने का, जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या फिर हाई टेम्परेचर में होते हैं। यही नेचुरल प्रोसेस हमारी बॉडी का बॉडी ओडर बन जाता है। स्वेट स्मेल नहीं करता है, बट हमारी बॉडी पर बचे हुए डेड स्किन सेल्स उनकी वजह से एक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, और वो बैक्टीरिया अनप्लेजेंट बॉडी ओडर लाता है आपके बॉडी में से। सो व्हाट शुड वी डू अबाउट इट? इज देयर अ वे टू कवर अप द फाउल स्मेल? बहुत सारे तरीके हैं बॉडी ओडर को कंट्रोल करने के ऑन डेली बेसिस। एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट विद न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स रोज रखें, एंटी फंगल टैल्कम पाउडर्स दिन में लगाएं और मिनिमम 2 से 3 लीटर ऑफ वाटर जरूर पिए। व्हाट और एंटीपर्स्पिरेंट एंड डिओडोरेंट्स? आप चाहे तो एंटीपर्स्पिरेंट लोशंस यूज कर सकते हैं अगर आप एक्सेसिवली स्वेट करते हैं। ये लोशंस में एल्यूमिनियम क्लोराइड रहना चाहिए ताकि आप इसे रात में अंडरआर्म्स, पाम्स और सोल्स के पास लगा सके। इससे आपके बॉडी में स्वेट कम होगा। डिओडोरेंट्स प्रिवेंट या कंट्रोल नहीं करते आपकी बॉडी का स्वेट, बट हेल्प करते हैं कुछ और स्मेल आने के आपके बॉडी में से। एक बार एंटीपर्स्पिरेंट एंड डिओ खत्म हो जाता है तो वो फाउल स्मेल वापस आ जाता है। तो व्हाट शुड बी डन टू मेक इट लास्ट लॉन्ग? शावर करें एटलीस्ट 2 times a day अगर आप स्वेट ज्यादा करते हैं। डस्टिंग पाउडर अप्लाई कर अपने बॉडी पर शावर के बाद। कॉटन के कपड़े पहने और एंटी पर्स्पिरेंट लगाए आपकी स्किन पर। डाइट यू शुड फॉलो। गार्लिक और ऑनियन को ज्यादा अवॉइड करें। कैफीन का इंटेक और कंज्यूम कम करें। एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट स्टार्ट करें जो रिच है होल ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन का इंटेक करें। सप्लीमेंट्स जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और जिंक भी इंक्लूड करें। याद रखिए मिनिमम ऑफ 2 से 3 लीटर डेली जरूर पानी पिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके बॉडी ओडर को कम करने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप भी बॉडी ओडर से परेशान है तो ये सिंपल रेमेडीज जरूर ट्राई करें और आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अगर आपके पास इससे जुड़ी और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।